Hey guys, what's up? Welcome back to my new vlog. So, भाई ये है पुराना दिन नया व्लॉग। हमारा GoPro इतनी ज्यादा दिक्कत कर रहा है कि क्या ही बताए। रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो ठंड के मारे अगला अकड़ जाता है भाई, बनाता ही नहीं, वीडियो बंद हो जाता है। तो बाकी हम पेंगोंग लेक से निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 5:30 के करीब टाइम हो रहा है। हमें भाई साहब गूगल मैप दिखा रहा था कि आप इतने बजे यहाँ पे पहुंचोगे, बट हम चार कितने बजे पहुंच गए पापा? 4:30 के करीब हम यहाँ पे पहुंच गए थे। एक चीज और भी गलत दिखा रहा है गूगल मैप, वहां से 223 किलोमीटर दिखा रहा है ले से, और ये 223 किलोमीटर नहीं है, 145 किलोमीटर। हाँ, हमने इस पे देखा है, हम होटल से निकले थे ना, तो मैंने इसको ट्रिप जो है जीरो कर दी थी, तो अराउंड 161-166 के करीब जो इसकी ट्रिप यहाँ तक आई है। तो भाई साहब मतलब गूगल मैप गलत हो सकता है कभी कभी। अब वापसी हमें ना थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ना हमने जाना है ले, पहले दुर्बुक जाके कुछ खा लेते हैं, दिक्कत आपको होगी तो रस्ते में देखने को मिल जाएगी। अरे जब आपका साथ रहेगा तो दिक्कत किस बात की है, सारे मिलके चलेंगे। और वैसे हमारे साथ मतलब आपका तो साथ है ही हमारे साथ, लेकिन एक और साथ है हमारे पास, एक स्कॉर्पियो है, आगे एक और स्कॉर्पियो जो है पंजाब की गाड़ी जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है। उन्होंने भी ले जाना, तो वो कह रहे हैं कि चलो इकट्ठे ही चलते हैं, तो भाई एक साथ हो जाता है, अगर रास्ते में बर्फ वगैरह मिली तो दोनों आराम आराम से करके निकल जाएंगे। हमने देख लिया गगन बड़ा ढीला बंदा है भाई, इसको ठंड लगती है। ठंड किसको लगी है? अबे रहन दे, किसने का ठंड लगी है? मैंने कहा मेरे को किलो लगते हैं, सर्वाइकल हो गया मेरे, पेन, क्योंकि मैं इतना भारी भारी 3-4 किलो के खाता है। दो जोश तू खाता है, ये तो खाता ही नहीं है भाई, मटन रोगन जोश खिलाते हैं पापा, इतना मजा है। गर्मी ठंड नहीं लगती, मैं कनाडा गया था ऐसे मैं हाफ बाजू में घूमते रहते -40 में, ये क्या यार तुम, मैं भी हाफ बाजू में ही हूँ। हाँ तो वैसे कौन कह रहा है ठंड नहीं लगती, एक बार देखना ये जैकेट, नीचे स्वेटर और नीचे टी शर्ट, कहता ठंड नहीं लगती। ये तो उल्टा पड़ गया प्रूफ, ये तो उल्टा पड़ गया भाई, भाई विद प्रूफ साबित क्या कर दिया, ये स्वेटर बहुत पतला है। है तो स्वेटर ना, है तो स्वेटर ना, और गाड़ी के अंदर बैठा है फिर भी स्वेटर ऊपर जैकेट, मैं क्या उतारू बैठ गया। हाँ, और अंदर जैकेट भी देखो भाई, फर वाली जैकेट है, फर वाली जैकेट, मेरे को ठंड नहीं लगती, मैं कनाडा में घूमता नंगा नूंगा, नंगा पुंगा भाई। हाँ। सब 6 बज गए, हम बस दुर्दुख जा रहे हैं अब। अबे दुर्दुख नहीं भाई, 10 बार इनको बता दिया है, कभी ये दुर्बुक को तुरतुक बता देंगे, कभी कुछ और बोल देगा, कभी गोमोरंजन को भाई भाई गुम्बू। हम दिल्ली वाले हैं, हमें सीधे ना, मैं लद्दाख का हूँ, पश्चिम बिहार, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, हमें सीधे सीधे यहाँ। एक काम करना, शीशा डाउन करके हो जाए शुरू, तिगड़ी पत्ता तिगड़ी पत्ता बोल रहे, पैसे भी कमा लियो। हाँ ये भी बात है। तो फाइनली दुर्बुक हम पहुंच गए, टाइम हो गया 6:40, अभी वहां पे ना करंट रजिस्ट्रेशन करवाने गया था सुबह, तो उन्होंने कहा था कि जब आप वापसी आ जाओगे ना तो दोबारा नंबर और नाम लिखवा के जाना अपना, ताकि एक रिकॉर्ड हो जाता है। बाकी अब देखो हम दुर्बुक जो मेन सिटी है या जो गांव है, एक बार वहां चलते हैं, वहां जाके देखते हैं, कुछ खाने के लिए अच्छा मिल जाता है तो वहां पे देखते हैं। अभी करंट गया था वहां पे बताने के, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने गया था, तो लेकिन वहां पे कोई था ही नहीं, तो ऐसे ही आ गया। तो अभी हम आकर रुके दुर्बुक की मेन सिटी में, जहाँ पे सारे होम स्टे वगैरह और खाने की दुकानें हैं। एक बार पापा पता करने गए हैं कि क्या क्या मिलता है, कैसा कैसा है सारा कुछ, फिर अगर देखो सही हुआ तो जाके खा लेंगे। क्या हुआ करण, वहाँ पे क्या है दूसरे वाले पे, हर जगह चौमिन है। अरे अब लगता है सीधा ले जाके ही खाना पड़ेगा। बाकी देखो हम शायद 9:30-10 तक ले पहुंच जाएंगे, देखते हैं। भाई हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज आया, हम पहले दुर्बुक रुक के खाना खा रहे थे, वहाँ खाना मिला नहीं, वहाँ सारी सिर्फ चौमिन थी यार। बताओ चौमिन से किसी का पेट थोड़ी भरता है, हम जैसों का पेट थोड़ी भरेगा चौमिन से, हमें तो चाहिए भाई पूरा मुर्गा शुर्गा चाहिए, साथ में रोटी चाहिए, तब जाके पेट भरेगा ना। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट ले, और बाकी रास्ते में शायद एक दिक्कत हो सकती है कि चांगला पास पे हमें बर्फ मिल सकती है, बाकी ना मिले तो भाई अच्छा ही है हमारे लिए। तक हम चांगला पास नहीं पहुंचे, स्नोफॉल इतनी ज्यादा चालू हो गई ना, सुबह जितनी तेज थी उससे भी ज्यादा तेज चालू हो गई है। बाकी देखो शायद ऊपर जाके हमें चांगला पास पे बर्फ मिले ना मिले, वो तो ऊपर जाके पता लगेगा, बहुत दूर है बेटे। हाँ बहुत दूर है, वो तो ऊपर जाके पता लगेगा, अब देखते हैं। हम आराम आराम से चल रहे हैं, एक एक पहाड़ का फर्क पड़ जाता है। हाँ मतलब इस पहाड़ पे बर्फ पड़ रही है, उस पहाड़ पे नहीं पड़ रही, ऐसे वाला सिस्टम है यहाँ पे। बाकी हम आराम आराम से चल रहे हैं, ज्यादा जल्दी तो है नहीं, देखो अब पहुंच जाएंगे भाई। ये देखो नीचे सिर्फ टायरों के निशान है, पूरी जमीन जो है पूरी रोड जो है बर्फ से भर चुकी है। आप फिर लोग कहेंगे कि रात को जब स्नोफॉल हो रही है तो क्यों जा रहे हो आगे वापसी ले क्यों जा रहे हो, तो भाई सबसे बड़ी चीज की एक तो अपना पेंगोंग में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और दूसरी चीज वहाँ पे मतलब है ही नहीं, रहने के लिए होम स्टे भी नहीं है, आधे से ज्यादा तो बंद हो गए, और जोन से है वहाँ पे ना गर्म पानी है ना हीटर है, तो बंदा रात को रहेगा कैसा। दूसरी चीज दुर्बुक में भी हमने अभी पूछा था कि कुछ खाने को है, तो मैंने कहा बस भाई सिर्फ चौमिन ही और कुछ है नहीं, तो भाई चौमिन से पेट क्या भरेगा, रोटी वगैरह चाहिए होती है बंदे को खाने के लिए।
तो इसलिए हम सीधा वापसी ले जा रहे हैं। और बाय चांस अगर हम कल्ले भी होते तो शायद दुर्ग को रुकने के चांसेस बन जाते, लेकिन हमारे साथ दो तीन गाड़ियां हैं रस्ते में, और भी एक दो गाड़ियां हमें मिल गई है, आगे भी आगे ट्रक भी जा रहे हैं, तो इसलिए हम उनके आगे पीछे चल रहे हैं। और एक बार मैं रोक के ना गाड़ी 4x4 में एंगेज कर दो, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो रही है। भाई ये इनोवा थोड़ी स्केट कर रही है, देखो न्यू गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, पर ये 2x2 है, इसलिए स्केट कर रही है। 2x4 दो टायर थोड़ी है, सॉरी 2x4 है भाई। आराम से चला, तेज मत कर, आराम से चला, नहीं कोई नहीं, डिस्टेंस बना के रखने दो, पर टायर पूरा स्केट कर रहा है, निकाल ले आराम से, निकाल ले आराम से, निकाल ले। सो फाइनली चांगला पास हम पहुंच गए, टाइम हो गया 7:55, मैं एक बार ढंग से लगाया था, 7:55 हो गया, टेम्परेचर -4 है बाहर का। और जैसे हम चांगला पास पहुंचे ना, स्नोफॉल होनी चालू हो गई है, और आप ये देख सकते हो जब हम गए थे ना तो यहाँ पे स्नोफॉल, यहाँ पे बर्फ नहीं थी, अब ये पूरा बर्फ से ऊपर भर गया है। अब यहाँ पे ज्यादा देर रुकते नहीं है और आगे चलते हैं हम। ये देखो जी मंदिर चल रहा है, साथ में आरती चल रही है यहाँ पे, भाई धीरे धीरे ना स्नोफॉल तेज हो गई है, बट कोई नहीं, 1.5 किलोमीटर तक ही है, 1.5 किलोमीटर जब नीचे उतर जाएंगे ना स्नो खत्म हो जाएगी, सारी स्नो खत्म हो जाएगी। और आराम आराम से जा रहे हैं, ज्यादा स्पीड रख नहीं रहे, 0 से 10 के बीच में स्पीड रख रहे, इससे ज्यादा रख नहीं रहे, और हल्की हल्की ब्रेक दबा के चल रहे, क्योंकि ज्यादा ब्रेक दबाएंगे ना गाड़ी स्किट मार जाएगी, तो इसलिए कम स्पीड पे चल रहे हैं। हमें आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ी मिली थी, तो हमने उनसे पूछा कि स्नोफॉल कहाँ तक हो रही है, तो उन्होंने बताया कि भाई 1.5 किलोमीटर नहीं, 15-20 किलोमीटर तक अभी स्नोफॉल हो रही है, बट कह रही है आगे जैसे जाते रहोगे ना तो स्नोफॉल जो है कम हो जाएगी और आइस कम होती रहेगी। बाकी उन्होंने पूछा कि 4x4 है क्या गाड़ी या 4x2 है, तो हमने बताया 4x4 है, तो वो कहते हैं कि आराम से चलेगी, बस पहले गियर या दूसरे गियर में रखना, इससे ऊपर मत जाना। एक और जो है ना कि ड्रीम जो है एक और पूरा हो गया है, मेरे को लगा नहीं था, मतलब कि बाबा जी कितनी जल्दी सुनते हैं। हाँ। कि कल हम बस ऐसे ही ट्राई मार रहे थे, हम मतलब जब पास से नीचे उतरे थे सिंगेला पास या सिरसिला पास से, तो नीचे बर्फ थी, हम ऐसे ही वहां पे ट्राई मार रहे थे कि यार चल बर्फ पे चला के देखते हैं कैसी फील आती है। बाबा जी कह रहे ले तू अच्छे से ले भाई, मैं ना ना करके मतलब कि शायद दूसरी या तीसरी बार पहाड़ों पे गाड़ियां चला रहा हूँ, और तभी बाबा जी ने मेरे को ऐसे कर दिया कि भाई मतलब दिल खुश कर दिया एकदम। बाकी अब बर्फ पूरी खत्म हो चुकी है, रोड एकदम साफ हो चुकी है, और टाइम हो गया 9 बज गए पूरे, अब आराम आराम से शायद 10 बजे तक हम ले पहुंच जाएंगे, तो आराम आराम से जाते हैं। तो फाइनली ले हम पहुंचे, टाइम हो गया 9:55 भाई साहब, बस हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, क्योंकि जब सुबह हम होटल से निकले थे तो सिर्फ 2 पीस खा के निकले थे, वो भी पराठों के, तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, और इतने दिनों से जब से मतलब कि हम ले के लिए निकले हैं तब से हमने ढंग से रोटी कहीं खाई नहीं है। फाइनली आज हम अपने फेवरेट ढाबे पर आ गए, जहाँ पे मतलब हम जब लास्ट टाइम आए थे ना तब हमने यहीं पर खाया था, अब अंदर चल के आराम से बैठते और खाना खाते हैं। देखे मैं रस्ते कुछ बोली नहीं हैगी, सब तो बड़ी हिम्मत गगन दी है, मेरी गड्डी चला के जाए स्नो में, ये सबसे बड़ी हिम्मत है स्कॉर्पियन की। हाँ। आराम से निकल गई, आराम से निकल गई हर जगह से। हाँ। दिक्कत नहीं करी कोई, फाइनली हो गया लद्दाख। अब मम्मी की भी ना आवाज अब निकली है, फाइनली सारे पहाड़ हो गए। हमने आते ना जो पसंद आ रहा है सब कुछ मंगा लिया है, खाते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। ठंड पड़ी है आनंद आ गया भाई, आनंद। एक खाना खा के जो मज़ा आया ना, मैं बता रहा हूँ, हमने जब से ले की ट्रिप हमारी चालू हुई है, लद्दाख की ट्रिप चालू हुई है, तब से कुछ ढंग से खाया नहीं था हमने, बस 2 जगह खाया था, कुल्लू और गुरुद्वारे में जो लंगर था वो खाया था, और आज जाके खाना मिला बढ़िया भाई, आनंद आ गया। अब तो ऐसे है कि भाई बिना जैकेट के घूमूंगा मैं, इतनी गर्मी चढ़ गई अंदर, चल लेट हो रहे हैं, गाड़ी चलाओ, फोन आ रहा है होटल वाले का, इज्जत नहीं है। आपको कैसा लगा खाना?
भाई अच्छा तृप्ति आ गई, मजा आ गया। महंगा भी और महंगा भी नहीं है इतना, तो वैसे खाया दिल्ली में खा जाता इतना तो। और आज वैसे भी हमारे लिए महंगा नहीं है, नहीं ट्रिप स्पॉन्सर है ना। थककार के अपने होटल के रूम में आ गया भाई साहब, हालत इतनी ज्यादा बुरी हो रखी है ना, इतने ज्यादा थके पड़े, ऊपर से जुकाम खांसी ने ऐसी तैसी कर रखी है। बट भाई अगर आपको एंजॉय करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस भी करना होता है, तो कोई चक्कर नहीं है, ये सब चलते रहता है। तो बाकी आज के इस ब्लॉग को करता हूं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू।